हेलो स्टूडेंट्स, ये 11th क्लास का सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का। कोड 083 है 2021 का। 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है इसमें। तो यूनिट 1, 2, 3, ये 3 पार्ट है। बेसिकली फर्स्ट पार्ट जो है वो थ्योरी है, और इसमें कंप्यूटर सिस्टम और बेसिक ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है। सेकंड यूनिट में कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, इसमें पाइथन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी के हैं, 45 मार्क्स जो आपके आते हैं आएंगे, और 15 मार्क्स की लास्ट यूनिट है। तो अगर हम बात करें तो 25 मार्क्स फर्स्ट और थर्ड यूनिट के होते हैं, जो कि आपके थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करते हैं, और बाकी 45 मार्क्स, मतलब अगर आप 70 को बेस माने तो करीब करीब 62% का जो है वो सेकंड यूनिट का पार्ट है। और अगर ये आप अच्छे से करेंगे सेकंड यूनिट, तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर भी आपको एडवांटेज मिल पाएगा इस यूनिट का। अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। तो मैं कंप्यूटर की डेफिनेशन से पहले स्टार्ट करूं कि कंप्यूटर जो बेसिकली इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर्स में देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। अब कंप्यूटर में बेसिकली रॉ फैक्ट्स और फिगर्स को इंटर किया जाता है और इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। तो जब आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे एक साइड में कि कंप्यूटर्स आर सीन एवरीवेयर अराउंड अस ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, तो बेसिकली इन शॉर्ट बोलूं, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शन। तो जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वर्क होता है। अब इवेल्यूएशन की बात करें, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर की ग्रोथ, उत्पत्ति कहाँ, कैसे, क्या हुई, इस पर्पज से हम बात करें, तो कंप्यूटर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो था वो एबेकस था। एबेकस बेसिकली आपने सुना होगा कि एबेकस जो हम नॉर्मली छोटी क्लासेस होती थी उसमें स्लेट्स होती थी, उसमें साइड में नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स के लिए होता था, 1, 2, 3, 4, 5, दैट वाज कॉल्ड एबेकस। वो एबेकस होता था कि एक थिंग, ये दिया हुआ भी, मेंशन भी है फिगर आउट में, आप इस फिगर को देखेंगे तो इसमें दिख भी रहा है। तो 3000 BC के पहले, बिफोर क्राइस्ट 3000 के पहले ये चीज़ें आया गई थी, और कंप्यूटर इन्वेंशन के पहले एबेकस का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि कैलकुलेशन हो और उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वर्क हो। आप इस फिगर को देखें और इस फिगर को देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये हम पहले छोटी क्लासेस में यूज़ करते थे इसको, तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को ये क्लियर हुआ होगा। आगे हम बात करें, नेपर्स लॉग ने भी अपने कंसेप्ट दिए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इन्होंने एक ही उसमें जिसको कह सकते हैं स्टिक में सारे नंबर्स दिए थे, उस नंबर्स के अकॉर्डिंग काम करे थे। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये चीज़ दिखेगी, इसको नेपर्स लॉग बोला, क्योंकि कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट बेसिकली कंप्यूटर इन्वेंट करा था चार्ल्स बेबेज ने 1864 में, और ये तो उसके पहले के कॉन्सेप्ट हैं जो आए थे, नेपियर्स लॉग, फिर पास्कलन, बायस पास्कल, इसका भी बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है कंप्यूटर्स के इन्वेंशन और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। 1642 में इसने भी वो कॉन्सेप्ट दिया था, ये पास्कलिंग मतलब मशीन थी, ये मशीन के अकॉर्डिंग आपकी काउंटिंग होती थी। ऊपर दिया है, ये नंबर दिए हैं, दिख रहे हैं, ये 1, 4, 5, 2, 3, 4, 2, 6, तो एक कैलकुलेशन बेस्ड काम होता था इसमें, तो ये भी एक मैथमेटिशियन था। अच्छा, जो कंप्यूटर्स के जिसने भी लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन दिया है, ये दे ऑल आर मैथमेटिशियन। आगे बढ़े हम, कैलकुलेटर आया, लेविटजिन कैलकुलेटर 1673 में जर्मन मैथमेटिशियन ने एक्सटेंड करा। आपके पास केवल नॉलेज के काम की चीज़ है ये। फिर जेकर्स जेकर्ट्स लूम, इसने यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, एक डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन,
ये दो दिया। और देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया जिसकी चार्ल्स वेबेन इंग्लिश मैथमेटिशियन डेवलप ए मशीन कॉल्ड डिफरेंस इंजन उसने बताया 1822 में। और ये 1822 से ले लेके 1864 तक ये इन्वेंशन चला, और 1864 में एग्जैक्टली कंप्यूटर का जो इन्वेंशन हुआ वो इन्हीं पर्सन ने करा, इंग्लिश मैथमेटिशियन जो ये चार्ल्स वेबेज हैं इन्होंने। तो डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन हैव गिवन द कॉन्सेप्ट गिवन बाय चार्ल्स वेबेज, इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। ये लिखा आखिरी में मैंने बोला, उसके पहले ही बता दिया फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मैंने उस चीज को पहले बताया। अब बात करते हैं हम इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट जो आया 1864 तक तो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन के बारे में चीजें बताई गई। अब मार्क वन आया 1944, प्रोफेसर हॉवर्ड ऑकिन इन कोलोबरेशन विद आईबीएम, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। आईबीएम बहुत अच्छी कंपनी थी और अभी भी है उस चीज पे, और ये काफी कुछ डेवलपमेंट करती हैं हार्डवेयर से रिलेटेड और बेसिकली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो मार्क वन नाम से कंप्यूटर आया विच कुड मल्टीप्लाई 2 digit to 10 digit नंबर इन 5 seconds। तो इसको मार्क वन कंप्यूटर बोला जो 5 सेकंड में 2 digit का मल्टीप्लीकेशन कर पाता था। फिर 45 में जॉन वॉन न्यूमैन प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। इनका कॉन्सेप्ट बहुत चला और आज भी चल रहा है। जॉन वॉन, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, जॉन वॉन न्यूमैन प्रोसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम, इनका कॉन्सेप्ट आज भी चल रहा है। इसी को बोला जाता है जॉन वॉन न्यूमैन मॉडल, NEUMANN, जॉन वॉन न्यूमैन मॉडल, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। और ये बताया कि कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, तो आगे हम देखते हैं इसको। ये इन्होंने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, बेसिकली वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ने जो दिया था वो सारा कुछ दिया था, उसमें CPU, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये उन्होंने शॉर्ट में बताया है कि प्रोसेसर है, प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेशन चैनल है, ये दोनों साइड से डेटा आ रहा जा रहा है, और ये प्रोग्राम और डेटा है। तो ये बताने वाले वॉन न्यूमैन कंप्यूटर थे। ये यूनिट थोड़ी सी थ्योरेटिकल है, तो इस चीज को बस आप यहाँ जो मैं बता रहा हूँ उतना ही नोट डाउन करें और उतना ही आप ग्रास्प करें, सफिशियंट रहेगा। फिर उसके बाद मार्क वन कंप्यूटर में ही दो चीजें पहले आई, एक आई EDVAC और एक है ENIAC। मैं पहले EDVAC को हाईलाइट करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला स्टोर्ड कंप्यूटर डेवलप हुआ था 1952 में। इस चीज को ध्यान रखें आप, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर पहला स्टोर्ड प्रोग्राम था जो दिया 1952 में। उसके बाद आफ्टर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया तो फिर उन्होंने एक नाम नई, इसके पहले भी EDVAC के पहले कॉन्सेप्ट आया था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, जो कि 1946 में आया था। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर 46 में आया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ENIAC और EDVAC ये दो चीजें आई 46 और 52। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मीनिंग ये होता है कि स्टेजेस होती हैं, जैसे हम हैं हमारे फादर, फिर उनके फादर, फिर उनके भी फादर, मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट और फिर उनके भी ग्रैंड पेरेंट, और इस तरह से चीजें चल रही है। तो इस चीज को भी नोट डाउन करना जरूरी है कि जो डिफरेंट स्टेजेस हैं या डिफरेंट स्टेप्स हैं वो जनरेशन कहलाती है।
तो जैसे मैंने आपको हमारी जनरेशन का एग्जांपल दिया कि हम है, फिर हमारे फादर है, फिर उनके फोर फादर है, फिर उनके फोर फादर है, तो ऐसे ही कंप्यूटर में कंप्यूटर की जनरेशन है, एग्जैक्ट कंप्यूटर जो एग्जैक्ट जो कंप्यूटर का स्टार्टिंग हुआ वो 1942 से हुआ, और कॉन्सेप्ट जो चार्ल्स बेबेज ने दिया था वो 1864 में दे दिया था। तो पहली जनरेशन जो है वो 1942 से 55 तक दी। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुए, इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुए, और इस जनरेशन, ये जनरेशन जो है इसमें 1942 से 55 तक यूज हुआ, और फीचर साइलेंट यूज हुए। अब कौन कौन से फीचर्स हुए उसको हम एक एक पढ़ के मैं आपको समझाते जाता हूँ। यूज्ड वैक्यूम ट्यूब टू कंट्रोल एंड एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। वैक्यूम ट्यूब एक बल्ब साइज का शेप का होता था, जिसमें कैलकुलेशन उसी के बेस पे होता था। फिर ह्यूज कंप्यूटर देखो ऑक्यूपाइड लॉट ऑफ स्पेस। पहले के जमाने में क्या होता था, इन द प्रीवियस ईयर्स कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड लॉट ऑफ स्पेस फॉर कीपिंग इट, उनको बहुत स्पेस की रिक्वायरमेंट होती थी, तो उस पर्पस से स्पेस की रिक्वायरमेंट होती थी, उसी पर्पस से, स्पेस की रिक्वायरमेंट के पर्पस से उस कंप्यूटर को वहां रखा जाता था। नेक्स्ट है हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड हाई हीट जनरेशन। अब पहले जितनी भी जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें, देखो फर्स्ट जनरेशन में जब भी कोई किसी भी डिवाइस में फर्स्ट जनरेशन होता है तो उसमें क्या होता है, सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, हर चीज का यूज ज्यादा होता है, और जैसे जैसे एक्सपांड होती चीजें, फीचर्स इनहांस होते हैं, वैसे वैसे फैसिलिटीज बढ़ती जाती है और कॉस्टिंग कम होती जाती है, कंजम्पशन कंपेरेटिवली कम होता है। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन भी ज्यादा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स का, हीट का जनरेशन भी ज्यादा हुआ। फिर उसके बाद अनरिलायबिलिटी रही, हार्डवेयर फेलियर चांसेस बढ़ते गए, कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफिकल्ट, उस समय कमर्शियल प्रोडक्शन भी डिफिकल्ट होता था। तो ये सारी चीजें इसमें नोट डाउन है, दे वेर वेरी कॉस्टली एंड रिक्वायर्ड कंस्टेंट मेंटेनेंस, और उसमें मेंटेनेंस भी उसी में बढ़ता गया। फिर कंटिन्यूस एयर कंडीशन रिक्वायर्ड, अच्छा एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूस आई पहले के ज़माने में, अब तो खैर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, हो तो अच्छी बात है, बट एट दैट टाइम एयर कंडीशन वॉज रिक्वायर्ड। फिर बात आती है प्रोग्रामिंग वॉज डन इन मशीन लैंग्वेज, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज में यूज होती थी। अब मशीन लैंग्वेज जो है इट इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, जीरो और वन इसमें यूज हो, ऑल ओवर वर्ल्ड पूरा जीरो और वन में समाया हुआ है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बींग एंड इट इज वेरी इजी फॉर कंप्यूटर। तो उस समय मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, और उन्होंने एग्जाम्पल भी बताया कि ENIC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, फिर EDVSE इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूज हुआ, फिर यूनिवर्सल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूज हुआ। तो ये फर्स्ट जनरेशन की है, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम हुई, हीट ज़्यादा लगी, स्पेस ज़्यादा रिक्वायरमेंट हुई, हार्डवेयर फेलियर के चांस ज़्यादा हुए, प्रोडक्शन कम था, कॉस्टली बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट थी, और मशीन लैंग्वेज यूज हुई। अब सेकेंड जनरेशन 55 से 64, फर्स्ट वाली जो थी वो 42 से 55 तक। इसमें सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर नाम का कॉन्सेप्ट आया, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज होती है, इसको ट्रांजिस्टर बोला जाता है, बहुत छोटी होती है, ट्रांजिस्टर आर वेरी स्मॉल रिलायबल कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट लेस हीट, रिलायबल है, लेस इलेक्ट्रिसिटी और जनरेट लेस हीट, तो इस चीज को ध्यान रखने वाली बात है कि पहली जनरेशन से सेकंड जनरेशन में हीटलेस कम कंपेरेटिवली कम यूज हुई, इलेक्ट्रिसिटी का हम कंपेरेटिवली बोल सकते हैं कंजम्पशन कम हुआ, पावर सप्लाई कंजम्पशन कम रिक्वायर्ड है फर्स्ट जनरेशन से, ये नहीं बोल सकते कि ओवरऑल कम है। फिर
रिलायबिलिटी फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से बढ़ी, स्पेस थोड़ी बहुत कम हुई, एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट रही, और इसमें एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई, चूँकि 55 से 64 है तो इसमें जो लैंग्वेज यूज़ हुई, इसमें शायद मेंशन नहीं है, वो लैंग्वेज यूज़ हुई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में मिनोमोनिक्स वगैरह यूज़ होने लगे, और बाइनरी नंबर तो यूज़ होते ही थे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुई तो कंप्यूटर ऑलवेज अंडरस्टैंड इन जीरो एंड वन, कंप्यूटर हमेशा जीरो और वन में समझता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा जाता है तो कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इन असेंबली लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि मिनोमोनिक शॉर्ट फॉर्म यूज़ होने लगे, जैसे एडिशन यूज़ करना तो ADD, सब्सट्रैक्शन यूज़ करना तो SUV, मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना तो MUL, डिवाइड यूज़ करना तो DIV, तो इस तरीके से शॉर्ट में चीज़ें यूज़ होने लगी। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर कंप्यूटर कि हाउ कंप्यूटर कन्वर्ट इट। ह्यूमन के लिए तो ईजी हो गया कंपेरेटिवली, ह्यूमन के लिए तो अच्छी बात हो गई। तो असेंबलर नाम का कन्वर्टर रहा जिनने असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करा। आप इसको चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, असेंबलर आर कन्वर्टर विच कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, असेंबलर आर कन्वर्टर और ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। उसके अलावा इसमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस बताई गई है, जैसे फोर्ट्रॉन है, कोबोल है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है। बेसिकली हाई लेवल लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में ही डेवलप हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान रखने वाली बात है। ये मैंने आपको सेकंड जनरेशन लैंग्वेज के बारे में बताया है। इसके फीचर्स मैं आपको अभी वैसे बता चुका हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था इसमें, यह हाईलाइट, प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज अभी मैंने आपको बताया, वाइडर कमर्शियल यूज़ बट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टिल डिफिकल्ट, मतलब कमर्शियल यूज़ होने लगा बट डिफिकल्ट रहा। मैग्नेटिक कोर मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ गए, स्मॉलर लेस एक्सपेंसिव मैंने अभी बताया, फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा बहुत लेस कंपेरिजन रहा, और यूज़ ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी, और ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी। और एग्जांपल जो है IBM 1401, IBM 1620, UNIVAC 1108, ये यूज़ होने लगे। ये इसके एग्जांपल है जो आपको याद रखना चाहिए कि IBM 1401, IBM 1620, UNIVAC। अब बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इंटीग्रेटेड सर्किट ये यूज होने लगा, जिसको चिप भी बोलते हैं, आईसी चिप। ऐसे बोलचाल की भाषा में अगर हम कहीं किसी मोबाइल सुधराने जाते हैं या बोलते तो बोले चिप खराब है, तो उसको इंटीग्रेटेड चिप ही बोला जाता है, इसको इंटीग्रेटेड चिप ही बोला जाता है। और ये थर्ड जनरेशन जो है 64 से 75 तक यूज होती है, 64 से 75 तक यूज़ हुई। अब इसके भी अगर हम फीचर्स की बात करें तो इंटीग्रेटेड चिप यूज़ हुई, और इसमें हम सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से कंपेयर करें तो साइज़ में स्मॉलर था, फास्टर था, रिलायबल था, लेस हीट जनरेट करता था, और आपको वर्क का जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हुआ सेकंड जनरेशन से। और यकीन मानो थर्ड जनरेशन में बहुत मेजर ड्रास्टिक चेंज आए, जिसको बोला 64 से 75। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस हुई, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मेंशन नहीं है। इंटीग्रेटेड सर्किट मैंने बताया यूज हुआ, लो पावर कंजम्पशन एंड लेस इमिशन ऑफ हीट मैंने बताया कि हीट कंपेरेटिवली लेस था सेकंड जनरेशन से, पावर कंजम्पशन भी लेस था प्रीवियस जनरेशन से। इसमें इसके एग्जांपल है IBM 360 सीरीज और हनीवेल 6000 सीरीज, ये इसके एग्जांपल है।
और थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस हुई जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, 75, 64 से 75 तक, मतलब सी प्लस प्लस तो बेसिकली 84 के आसपास डेवलप हुई, पर सी का कॉन्सेप्ट आ गया था, पास्कल का कॉन्सेप्ट आ गया था, कोबोल ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में क्या होता है, 75 ऑनवर्ड्स लिखा, आप चाहो तो उसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, 75 to 89, ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, LSI या VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप यूज हुई। बेसिकली इसमें ऐसा बताया गया कि 3 लाख ट्रांजिस्टर इसमें सिंगल चिप में यूज होते थे। सेकंड जनरेशन का एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर 3 लाख ट्रांजिस्टर के में यूज होता था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके काम की भी है। और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज डेवलप हुई जिसको SQL बोला। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज डेवलप हुई जिसको SQL बोला। और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में काफी कुछ डेवलपमेंट हुआ, ड्रास्टिक चेंज यही आए क्योंकि 75 से 89 के बीच में ही कंप्यूटर ज्यादा यूज होने लगे और रेगुलराइज यूज होने लगे, स्पीड फास्ट मिली और कैलकुलेशन फास्ट हुए, हीट कंजम्पशन कम हुआ, स्पेस का ऑक्यूपेशन कम हुआ। और उसके अलावा जब हम इसके फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ ये जो फीचर्स हाईलाइट है, मैं इनको हाईलाइट करा है कि ICS with LSI एंड VSLI टेक्नोलॉजी, ये दोनों यूज हुई। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर डेवलप, पोर्टेबल कंप्यूटर्स डेवलप। पोर्टेबल का मतलब ये है कि स्पेस कंजम्पशन कम हुआ और मूवेबिलिटी इजी रही उसके अकॉर्डिंग। फिर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन बिकम पॉपुलर, अब नेटवर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी यहाँ पर। मतलब नेटवर्किंग क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो जो वर्क करते हैं वो कहलाता है आपका नेटवर्किंग, जिससे इंफॉर्मेशन कहीं भी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती, कहीं भी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस। तो इंफॉर्मेशन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। और भी बता रखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी विद हाई स्टोरेज कैपेसिटी। अब आगे बढ़ते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब परमानेंट मेमोरी, जस्ट लाइक हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, आपकी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या और कोई स्टोरेज डिवाइस या CD, DVD, ये सारी चीज़ें। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी विथ हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड फास्ट एक्सेस यूज होने लगी। अब फिर रिलायबल, पावरफुल स्मॉल इन साइज, निग्लिजिबल पावर कंजम्पशन। मैंने बताया ना कि पावर कंजम्पशन जैसे जैसे आगे आपकी जनरेशन बढ़ती गई वैसे वैसे पावर कंजम्पशन कम होता गया, हीट कंजम्पशन कम होता गया, आपका रिलायबिलिटी बढ़ती गई, साइज में स्मॉल आते गए। ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सब में आपको मिलेगा और जब आप याद करेंगे तो आपको इसी रहेगा वो चीज। अच्छा, बुक जो है आप इस चीज को ध्यान रखना, बुक आप प्रीति अरोड़ा की कंप्यूटर साइंस विद पाइथन, इसको परचेस कर लेना, इसी बुक को परचेस करना और इसी बुक को बेस मानना। मैं अभी तो आपको NCERT के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, पर अगर वो बुक आप परचेस कर लेंगे तो वो आपके लिए हेल्प करेगी, इस बात को आप ध्यान रखना। फिर आते हैं फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन 89 से टिल तक, इसमें मेंशन नहीं है पर 89 से लेके टिल मतलब आज तक जो जनरेशन चली आ रही है वो फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन में सुपर कंप्यूटर आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, एक्सपर्ट सिस्टम आया, रोबोट सिस्टम आया, पैरेलल प्रोसेसिंग आई और अब अभी काफी सारी नई टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं। अगर आपने सुनी हो तो
सुनी हो तो वो आपने, एक है क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आपने देखने में आई होगी। तो ये फिफ्थ जनरेशन वाली बात है, और इसमें VLSI और अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होती है। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप यूज होती है। और आगे पढ़े हम, अब ये बता रहा है कि कंप्यूटर क्या होता है, तो डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। डेटा हमेशा रॉ फैक्ट होता है। जैसे मैं सर निलेश जैन, इट इज अ डेटा, ये डेटा है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सर निलेश जैन, आई एम टीचिंग कंप्यूटर्स इन 11th क्लास कंप्यूटर साइंस, आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 18-19 ईयर्स, सो दिस इज आई एम फ्रॉम इंदौर, आई लिव इन इंदौर। तो ये सारी चीजें जो ये बताई गई है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल डेटा या मीनिंगफुल डेटा जो होता है वो इंफॉर्मेशन कहलाती है, और अधूरा या रॉ फैक्ट्स या फिगर्स जो होते हैं वो आपके डेटा कहलाते हैं। तो यहाँ आप जब इसको पढ़ोगे, मैं 2 मिनट आपको पढ़ने के लिए टाइम दे रहा हूँ यहाँ पे, कि वी ऑल नो दैट व्हाट अ कंप्यूटर इज, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस द इनपुट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू इट एंड गिव्स द डिजायर्ड आउटपुट एज ए वेरी फास्ट रेट। कंप्यूटर आर वेरी वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है हर तरह का टास्क कंप्यूटर परफॉर्म करता है। As they do lot of different tasks such as storing data, weather forecasting, booking airlines, railway or movie ticket and even playing games. तो data के बारे में मैंने बताया, information के बारे में बताया। data हमेशा raw facts होता है, information हमेशा meaningful data होता है। अब functional component of computer, component कौन कौन से हैं, तो आप अगर इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो input device, इस फिगर को आप ध्यान से देखें, और यही कंसेप्ट जॉन वॉन न्यूमैन मॉडल ने दिया था जो मैंने आपको बताया था। इसको ध्यान से देखें आप और समझें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। अब इसमें इनपुट यूनिट जो होती है वो इनपुट डिवाइस के थ्रू होती है। इनपुट डिवाइस होती है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ये सब इनपुट यूनिट होती है। जैसे इनपुट आप देते हैं तो इनपुट से डेटा जाता है मेमोरी में। अब मेमोरी के इन्होंने कई पार्ट बता रखे हैं। मेमोरी जो है रजिस्टर से मिलके बनती है। मेमोरी जो है वो रजिस्टर्स से मिलके बनती है। तो रजिस्टर्स में डेटा, रजिस्टर जो बनते हैं वो फ्लिप फ्लॉप से मिलके बनते हैं। मेमोरी इज ए कलेक्शन ऑफ रजिस्टर एंड रजिस्टर इज ए कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो ये वाली चीज बताई गई है। उसके बाद फिर डेटा मेमोरी में जाता है। तो मेमोरी में जाने के बाद वो डेटा अगर अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट से रिलेटेड रहता है तो उस पर परफॉर्म करता है। अब अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। लॉजिकल यूनिट का मतलब होता है आपको कंपैरिजन करना दो या दो से अधिक चीजों का। तो ये वाली चीज बताई गई है। अब आगे हम इसको देखें तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का काम कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है ये मैं बताता हूँ। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे एक टीचर आपकी क्लास में आता है तो टीचर का काम टीचिंग के साथ साथ आप लोगों को भी कंट्रोलिंग करना होता है, उसको चेक करना होता है। द सेम थिंग अप्लाइज हियर कि एक कंट्रोल यूनिट का काम ये देखना होता है कि इनपुट प्रॉपर जा रहा है, प्रोसेसिंग प्रॉपर हो रही है CPU के थ्रू, क्योंकि CPU में ALU और कंट्रोल यूनिट ये दोनों ऑलरेडी मिली होती है, और मेमोरी से डेटा प्रोसेसर में जाता है। तो आप देखो ध्यान से, तो ये CPU पर लिखा हुआ है, ये मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। CPU में दो पार्ट हैं, एक ALU और एक CU। बाकी मेमोरी से डेटा ले रहा है और दे रहा है, और जैसे इनकी प्रोसेसिंग हो जाती है, कंप्यूटर इसका डेटा प्रोसेस करता है,
तो उसके बाद आउटपुट यूनिट में आउटपुट आता है, और आउटपुट जो आता है वो डिस्प्ले होता है या तो मॉनिटर पे या आपके स्पीकर पे या आपकी स्क्रीन पे या प्लॉटर पे या प्रिंटर पे। ऐसे मॉनिटर पे आपको सॉफ्ट कॉपी में वो आउटपुट मिल जाता है। तो इसके ये कहलाते हैं आपके फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। बुक में एक बार फिर बोल रहा हूँ, प्रीति अरोरा की बुक परचेस करना कंप्यूटर साइंस की। हालांकि ये जो एनसीईआरटी इसमें भी दे अच्छा रखा, लेकिन पाइथन के पर्पस से हम बात करें 45 मार्क्स के, तो वो उसमें बहुत अच्छा दे रखा। आगे बढ़ते हैं हम। अब इनपुट यूनिट मैंने बता दिया कि इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस दैट आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर। दिस डिवाइस टेक इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड। सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर और ट्रैक बॉल भी होती है, वेब कैमरा भी होता है। फिर दूसरी बात आती है सीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में यह होता है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये प्रोसेसिंग करता है डेटा की प्रॉपर। अब नेक्स्ट उसके बाद बात आती है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसको मैं समझा चुका हूँ, अर्थमेटिक यूनिट मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लॉजिकल यूनिट मतलब ये है कि कंपैरिजन करना और कंपैरिजन करके आपको काउंट करना। कंट्रोल यूनिट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, फिर भी एक बार मैं उसको रिवाइज करता हूँ। कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द डेटा फ्लो इन एंड आउट ऑफ द सीपीयू। कोई भी डेटा इन आ रहा है या आउट आ रहा है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए आपको कंट्रोल यूनिट काम करती है। और वो मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, कंट्रोल यूनिट का काम सिग्नल जनरेट करता है कि इनपुट प्रॉपर आ रहा है, आउटपुट प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, ये वाली बात आपकी हो गई। फिर आगे बात आती है मेमोरी रजिस्टर की। तो रजिस्टर इज अ टेम्पररी यूनिट ऑफ मेमोरी इन द सिस्टम। अब रजिस्टर टेम्पररी में मतलब रजिस्टर से मिलके आपकी मेमोरी बनती है। दिस रिसीव्स डेटा इंफॉर्मेशन एंड देन दिस डेटा इंफॉर्मेशन इज हेल्ड एज देन एज पर रिक्वायर्ड। तो जिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है वही होता है। रजिस्टर कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। ये बिट में क्या होता है, 16 बिट मतलब 2 बाइट, 32 बिट मतलब 4 बाइट, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। 64 बिट मतलब 8 बाइट। एंड इच रजिस्टर इनसाइड द सीपीयू हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन लाइक स्टोरिंग डेटा, स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन, स्टोरिंग एड्रेस ऑफ लोकेशन। मतलब कोई भी वैल्यू स्टोर होती है तो उसकी लोकेशन, उसके इंस्ट्रक्शन, उसकी एड्रेस लोकेशन, उसकी वैल्यू, ये सब स्टोर होता है। द यूजर हैज रजिस्टर कैन बी बाय एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर स्टोरिंग ऑपरेंड्स, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। एक्यूमुलेटर इज द मेन रजिस्टर इन एएलयू। एक्यूमुलेटर एक नाम से जो रजिस्टर होता है वो मेन रजिस्टर होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के, वहाँ पे बता रखा है। एंड कंटेंट्स ऑफ द ऑपरेंड ऑफ एन ऑपरेशन टू बी परफॉर्म इन द एएलयू, और एएलयू में वो परफॉर्म करता है। अब जब मेमोरी को आप पढ़ोगे, इसको एक बार आप थोड़ा सा देखें, एक बार गो थ्रू करें, मैं आपको समझ ही रहा हूँ। वेरी फर्स्ट थिंग, मेमोरी इज ए स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस होती है जो डेटा को टेम्परेरीली या परमानेंट स्टोर करती है, इस बात को ध्यान रखें। दो प्रकार की मेमोरी होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। फिर प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करती है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको रैम बोलते हैं, और रीड ओनली मेमोरी जिसको रोम बोलते हैं।
तो ये तो हुई प्राइमरी मेमोरी, दो रैम एंड रोम। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो डेटा को परमानेंट स्टोर करती है। प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है, सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट करती है। जो सेकेंडरी मेमोरी हमारे जो डेटा स्टोर करती है वो कहलाती है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पुराने ज़माने में चलती थी अपनी, आपकी करंट में बोले तो पेन ड्राइव, सिम कार्ड, सीडी, डीवीडी, ये सब। अब बात करते हैं हम, सेकेंडरी मेमोरी हो गई जो कि परमानेंट है। मैं फिर बता देता हूँ, देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो होती है, रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी और आपका मेमोरी कार्ड। अब बात करते हैं हम आउटपुट यूनिट की। तो आउटपुट यूनिट में मैंने आपको दो चीज़ें बताई, या तो मॉनिटर का आउटपुट आएगा आपका, या प्रिंटर पे आएगा, या स्क्रीन पे आएगा, या प्लॉटर पे आएगा, या स्पीकर पे आएगा। स्पीकर यहाँ पर मेंशन नहीं है। जब आप इसको देखोगे तो ये दे रखा है, जब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इनपुट डिवाइस में क्या होता है कि डेटा कन्वर्ट करता है बाइनरी में, फिर प्रोसेसिंग होती है बाइनरी की, फिर वापस आउटपुट 01 के फॉर्म में आता है, और 01 के फॉर्म में आने के बाद वो ह्यूमन अंडरस्टेबल फॉर्म में डिस्प्ले करता है। और वो डिस्प्ले जो होता है वो मॉनिटर में होता है, प्रिंटर में होता है, प्लॉटर में होता है। अब ये एक चीज बता रखी कि इंटर इंटरकनेक्शन बिटवीन फंक्शनल कंपोनेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ। इनपुट डिवाइस, मेमोरी, रजिस्टर, आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर एक इन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है जिसको बोला है बस सिस्टम बस। सिस्टम बस का मतलब क्या होता है बेसिकली? बस को डिफाइन जो करते हैं वो ऐसा करते हैं, बस इज ए ग्रुप ऑफ लाइन। तो बस का काम रहता है लाइनों को, कलेक्शन ऑफ लाइन, जो ग्रुप ऑफ लाइन है उसको बस कहते हैं। और इसमें मेन मेमोरी जो बता रखा है, मेन मेमोरी मतलब रैम एंड रोम, ये मेन मेमोरी है। रजिस्टर से मिलके मेन मेमोरी बनती है। बस का रोल ये रहता है, ग्रुप ऑफ लाइन रहती है जिसमें आपका टास्क कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, कंट्रोलर पूरा कंट्रोल कर रहा है कि नहीं। मतलब सिस्टम बस एक इंटरेक्शन का काम करता है सीपीयू और इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में। ये ध्यान से देखो आप, सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में सिस्टम बस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और सिस्टम बस मैंने बताया इनपुट और आउटपुट के बीच का एक इंटरफेस का काम करती है। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। और फंक्शनल कंप्यूटर कंपोनेंट में फिर मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या होता है। इनपुट डिवाइस होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है सीपीयू। सीपीयू के अंदर दो पार्ट होते हैं, एएलयू और सीयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। मेन मेमोरी से इनका कनेक्शन होता है। डेटा हमेशा मेन मेमोरी में जाता है इनपुट डिवाइस के थ्रू। इनपुट डिवाइस में डेटा जाता है तो वो बाइनरी डेटा के फॉर्म में जाता है। मेमोरी से डेटा अगर एएलयू से रिलेटेड है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट से, तो वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट पे काम करता है। मतलब अर्थमेटिक और लॉजिकल दो अलग अलग यूनिट है। अर्थमेटिक मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लॉजिकल मतलब कंपेरिजन। तो ये आपका इसमें चलता है। फिर कंट्रोल यूनिट मैंने आपको बताया, ये बस का आर्किटेक्चर देखा। अब इसमें बसेस भी अलग अलग बता रखी है। लिखा है ना, ए बस इज ए ट्रांजिशन पाथ सेट ऑफ कंडक्टिंग वायर। मैंने बताया ना, ग्रुप ऑफ लाइंस, डेटा और इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल।
इज पास फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट इन ए कंप्यूटर, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जो जाते हैं सिग्नल्स वो बस कहलाते हैं। बस इसमें तीन प्रकार की होती है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस का रोल एड्रेसिंग करने के लिए होता है, जैसे हमारे घरों का एड्रेस होता है वो एड्रेसिंग। डेटा बस का रोल जो डेटा होल्ड करने के लिए, जैसे हम डेटा है तो वो होल्ड करने के लिए। और कंट्रोल बस का काम ये चेक करना होता है कि डेटा प्रॉपर आ रहा है और उनकी एड्रेसिंग प्रॉपर हो रही है। ये तीनों चीजें बताई गई। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।